यार भाई बताओ यार, इतने दिन बाद YouTube पर कमबैक किया। दो मैचेस की वीडियो बनाई वुमेन्स वर्ल्ड कप पे, और दोनों ही मैच उतने अच्छे नहीं गए। कल इंडिया वुमेन ने इतना गंदा क्रिकेट खेला जिसका कोई जवाब नहीं। उस दिन श्रीलंका पाकिस्तान का मैच था, मुझे लगा श्रीलंका एक तरफा जीतेगी तो पाकिस्तान जीत गई, वो बढ़िया खेल गई, श्रीलंका झंडू खेल गई। ऐसा होना चाहिए यार, तुम सच बताओ यार। बट चलो कोई ना, अब देखो पहले ऐसे बैठता था ऐसे, अब बैठ से बैठ रहा हूँ, क्या करूँ। तुम लोगों को मैं सब्सक्राइबर या व्यूअर्स या ऑडियंस नहीं मानता ना, तुम लोग तो अपने भाई हो, तो ऐसे ही बैठ के नॉर्मली चलो मैच की बातें करते हैं, है ना। कुछ हाई फाई नहीं, नॉर्मली मैच की बातें करेंगे। कोई फॉर्मेट नहीं वीडियो का, जो मन में आएगा बोलूंगा, जैसे आएगा वैसे बोलूंगा। तो सबसे पहले टीम न्यूज़ की बात करेंगे। नहीं नहीं टीम न्यूज़ की नहीं बात करेंगे, एक चीज़ तो बतानी बहुत ज़रूरी है, बता देता हूँ कि भाई इस मैच की भी, हालांकि लॉस मेरा नहीं हुआ है वुमेन्स वर्ल्ड कप में, अभी भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। क्योंकि जो स्कॉटलैंड वाला मैच था वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो मैंने जीता था। कल भी दिन वाला मैच में जीता और ये शाम वाला हार गया था, तो मेरा बराबर चल रहा है, लॉस में नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी सभी मैचेस की टीम देखनी है फैंटेसी की, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टॉस के बाद मैं सभी मैचेस की टीम टेलीग्राम पर डाल लेता हूँ, तो वो जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर फिलहाल वीडियो में ज्ञान ले लो, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वरना टेलीग्राम पर अनुराग द्विवेदी सर्च कर लेना, ठीक है। चलो बात करें आज के मैच की, तो देखो श्रीलंका की जो टीम है वो अपना पिछला मैच हार के आ रही है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पिछला मैच हार के आ रही है और वो आज फेस करेगी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वुमेन क्रिकेट टीम, वो है ऑस्ट्रेलिया, टू बी फेयर है, ठीक है। तो उनको फेस करेगी जो कि क्लियरली फेवरेट होंगी। अब बात करते हैं हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले मैं जो फैंटेसी खेलता हूँ भाई, वो विजन 11 पर ही खेलता हूँ। तो छोटी सी लाइन बोलूँगा, आप लोगों भी अगर फैंटेसी टीम बनाते हो खेलते हो तो विजन 11 पर ही खेलना। वहाँ पर आपको GST भी नहीं देना, वहाँ पर विड्रॉल के टाइम पर आपको 30% TDS भी नहीं देना, आपका TDS GST बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो विजन 11 पर ही खेलना, और स्मॉल लीग में आप एंट्री फीस देखोगे बहुत कम है, कमीशन बहुत कम है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और होगा हमेशा खुश रहोगे, मस्त रहोगे। तो विजन 11 का भी लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, रेफर कोड अनुराग यूज़ करना तो 100 रुपये फ्री मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो यार ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है, देखो अलिसा हिली, बेट मुनी, ये दोनों ओपन करेंगी, और अलिसा हिली विकेट कीपिंग कर रही है, बेट मुनी नहीं कर रही। अलिसा हिली विकेट कीपर भी है, कैप्टन भी है, ओपन भी करेगी, तो मस्ट पिक लेना अपनी टीम में। उसके बाद एलिसा पेरी है, और एशले गार्डनर, तैलिया मैकग्रैथ, ग्रेस हैरिस, अना वेलेसा डर्लैंड, जॉर्जिया वेयरहम, सोफी मोलनिक्स, अलाना किंग और मेगान छूट, ये होगी प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की। अब इनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग में, वो भी मैं आपको अच्छे से आगे बताऊंगा, किसको कब लेना है, कब ड्रॉप करना है, सब बताऊंगा। पहले देखते हैं श्रीलंका की क्या प्लेइंग 11 होगी। श्रीलंका की प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से वही होगी जो लास्ट मैच में थी। चमारी अट्टापट्टू और विश्मी गुणरत्ने ओपन करेंगी, उसके बाद हर्षिता माडवी है, कविष्का दिलहारी है, हर्षनी परेरा, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी और इनोक्षी प्रिया दर्शनी है, साचनी निसन साला, नाम कैसे रखते हैं यार। उसके बाद सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, नाम इतने मुश्किल है तो टीम में इनको लेना कितना मुश्किल होगा। तो ये होगी प्लेइंग 11 श्रीलंका की, ठीक है। पिच के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये वाला मैच भाई शारजाह में होगा, और शारजाह में अभी तक दो मैचेस हुए हैं इस वुमेन वर्ल्ड कप में, दोनों के दोनों मैच लो स्कोरिंग हुए हैं और डिफेंड हुए हैं, तो पिच यहाँ की बहुत स्लो है। तभी तो देखो एवरेज स्कोर भी यहाँ पर 119 रन का है, ठीक है। पेसर्स को शुरुआती ओवर्स में अच्छी हेल्प मिलती है, स्पिनर्स भी आ जाते हैं गेम में, तो दो सभी के लिए हेल्प है, पेसर्स के लिए भी हेल्प है, स्पिनर्स के लिए भी हेल्प है। पिछले जो 6 वुमेन के मैचेस हुए यहाँ पे T20 इंटरनेशनल, उसमें फास्ट बॉलर्स को 30 विकेट मिले और स्पिनर्स को 40 विकेट मिले हैं, तो दोनों को ही विकेट बढ़िया मिलते हैं, दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं। और आराम से 150-160 रन की उम्मीद आप कर लो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है, और अगर श्रीलंका टीम पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है कि 120 भी ना बने, और वरना 120 के आसपास की उम्मीद करके टीम बनाना, ठीक है। चलो और टॉस इस मैच में जो जीतेगा वो यही चाहेगा कि पहले बैटिंग करे, ठीक है। अब आते हैं फैंटेसी की टिप्स पे, ठीक है। फैंटेसी की आपको टिप्स देता हूँ, कौन सा प्लेयर आपके लिए कब इंपॉर्टेंट है, कब आप उसके इसको ड्रॉप कर सकते हो। मगर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, कल आप लोगों ने देखा हमारा फैंटेसी में इंडिया वाला मैच अच्छा नहीं किया, मगर प्रोबो पर हमने दबा के पैसा कमाया है, दबा के 34 रन पर वो प्लाइमर बैटिंग कर रही थी न्यूजीलैंड की प्लेयर, और मैंने बोला इसके 35 रन नो करो भाई, 50 पैसे के 10 रुपये मिल रहे, मतलब जो 500 रुपये के 10,000 रुपये मिल रहे थे, 500 रुपये के 10,000 जब मैंने बोला, और मैंने किया और जीते, बहुत मोटा माल कमाया। और मैंने भी, और पता पूरी दुनिया बोल रही थी लो स्कोरिंग मैच देख के सबको लग रहा था अरे यार न्यूजीलैंड भी कभी स्कोर लो स्कोरिंग होगा, तो दो ओवर में 10 रन
सब नो कर रहे थे, मैंने यस करवाया। 3 ओवर में 19 रन, सब नो कर रहे थे, मैंने यस करवाया। 6 ओवर में 39 रन, सब नो कर रहे थे, मैंने यस करवाया। और दबा के पैसा आपका कमवा के दिया आपको प्रोवो पे। इसलिए बोलता हूँ कि फैंटेसी खेलो विजन इलेवन पे, मगर साथ में प्रोवो पर भी पैसा डिपॉजिट करके बैठो। मैं सभी मैचेस के 4-5 प्रिडिक्शन डालूंगा, हर मैच के डालूंगा वुमेन्स वर्ल्ड कप में, मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आज ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ये 3 सवाल देखो। एक सवाल चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या 6 ओवर में 45 बना लेगी? भाई बना लेगी, इसमें यस कर दो, जितना इन्वेस्ट करना कर लो। श्रीलंका की टीम 6 ओवर में 2 विकेट ले लेगी? नहीं ले पाएगी, नो कर दो। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है 3 ओवर में 25 बना लेगी, इसमें आप नो करने का रिस्क ले सकते हो, नो कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ऐसे सवालों के आपको बस जवाब देने होते हैं हाँ या ना में, और अगर आपके जवाब सही जाते हैं, प्रिडिक्शन आपके सही जाते हैं, तो आप जीतते हो पैसा। कहाँ पर? प्रोवो पर। तो जाओ जाके प्रोवो का ऐप डाउनलोड कर लो, प्रोवो का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। मेरे लिंक से अगर आप जाओगे और कूपन कोड अनुराग यूज़ करोगे तो आपको 25 रुपये फ्री मिलेंगे, जिससे आप पहले दिन बिल्कुल फ्री खेल सकते हो और पूरे 25 रुपये यूज़ कर सकते हो, डन, और जीत के विड्रॉ भी कर सकते हो। तो एक बार प्रोवो ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स पे। अभी सबसे पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन पे आते हैं। तो देखो, विकेट कीपिंग सेक्शन में बेट मूनी, अलिसा हिली, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ओपनर है, दोनों को आपको पिक करना है। और भाई दोनों का जो एवरेज है वो श्रीलंका के सामने 70 का है, तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड है। तो इन दोनों को आराम से आग बंद करके पिक करो। बाकी अनुष्का संजीवनी को ड्रॉप करो, क्योंकि ये विकेट कीपर इनकी श्रीलंका की बहुत नीचे बैटिंग करती है। अगर हम बैटिंग सेक्शन में आ जाएं तो एलिसा पेरी ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगी, प्लस 1-2 ओवर बॉलिंग भी करा सकती है। तो एलिसा पेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वुमेन्स क्रिकेट में सबसे बड़ी प्लेयर है, पता है। उसके बाद तेलिया मैग्राथ है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करे, फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग करे, तो आप तेलिया मैग्राथ को भी अपनी स्मॉल लीग टीम में ले लेना, क्योंकि फिर उसकी बैटिंग आराम से आ जाएगी। मगर एक चीज़ याद रखना कि तेलिया मैग्राथ के ओवर कन्फर्म नहीं है कि वो 2 ओवर भी डाले 1 ओवर भी डाले, हो सकता है 1 भी ओवर ना डाले, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी इस मैच में ऑप्शन तो ठीक ठाक है हर्षिता और विश्मी गुणरत्ने, मगर श्रीलंका की मैं कहता हूँ कोई भी बैटर ना लो इस मैच में, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। बाकी नीलाक्षी डी सिल्वा, ग्रेस हैरिस और लिचफील्ड, ये लोग अगर खेल, ये लोग बहुत नीचे बैटिंग करेंगी, इनकी भी जगह आपकी स्मॉल लीग में नहीं बनती, इनको भी हटाओ। ऑलराउंडर भर लो, जैसे चमारी अट्टापट्टू डिफॉल्ट पिक लेना ही लेना है। उसके बाद ये आपके दिलहारी जो ऑलराउंडर है श्रीलंका की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी। एशले गार्डनर मस्ट पिक है, इसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अनाबेले सदरलैंड और जॉर्जिया वेरहम, ये भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है, इन दोनों को भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये 5 ऑलराउंडर तो आपकी टीम में कन्फर्म, इनको लेना ही लेना है, इन 5ों को रख लेना, ठीक है। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो मेगान शूट जो कि मेन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की, ये आपके लिए मस्ट पिक है, इसको रखो, क्योंकि डेथ बॉलिंग कराएगी, ठीक है। तो आपके लिए स्मॉल भी इंपॉर्टेंट है, रखना ही है आपको। बाकी अलाना किंग और सोफी मॉलनिक्स दोनों स्पिनर हैं, ये भी, और ये विकेट टेकर हैं, तो इनको भी आपको रखना है, इनको भी आप ड्रॉप नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ऑलराउंडर्स नहीं ड्रॉप कर सकते, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में एक चीज़ नोटिस करना, टॉस के बाद अगर डार्सी ब्राउन खेलती है तो डार्सी ब्राउन को जरूर आपको पिक करना है। वैसे ये जो विलामिनिक इनकी बॉलर है वो भी अच्छी है, बट डार्सी ब्राउन अगर खेलती है उसको जरूर पिक करना, उसके पास पेस बहुत अच्छी है, तो बहुत काम आएगी वो। और श्रीलंका के की भी जो बैटर्स हैं पेस पे अपना विकेट देंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी है, अगर ये खेलती तो इनको भी आपको पिक करना पड़ेगा। बाकी श्रीलंका की कोई बॉलर मस्ट पिक आपके लिए ऐसा नहीं कि मस्ट पिक इसको लेना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया बॉलर, बहुत बड़ी बॉलर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि प्रबोधनी को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अगर श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग कराए, बाकी तो नॉर्मली है। और ये एस कुमारी और प्रिया इनोक्सी, प्रिया दर्शनी, इनको आप ट्राई कर सकते हो सेकंड इनिंग में, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगह नहीं पड़ेगी भाई। 11 प्लेयर की टीम बनाओगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपको भरने पड़ेंगे कम से कम, नहीं तो 8-9 प्लेयर तो आपको ऑस्ट्रेलिया की लेनी लेनी इस मैच में, ठीक है। अभी जो मैंने टीम बनाई, आप मेरी टीम देखो, अभी की मेरी क्या टीम है दिखाता हूँ मैं आपको। तो दो मैंने विकेट कीपर लिया है, बेट मूनी को लिया है, एलिसा हिली को लिया है, और उसके बाद एलिसा पेरी को भी मैंने लिया हुआ है। ये मेरे 2 विकेट कीपर और 1 बैटर हो गई। 5 मैंने ऑलराउंडर लिए, सदरलैंड को लिया, वेरहम लिया है, एशले गार्डनर लिया है, अट्टापट्टू और दिलहारी, ये मेरे 5 ऑलराउंडर इस मैच में जो कि कन्फर्म है। 3 मेरे पास बॉलर हैं, मेगान शूट, अलाना किंग और सोफी मॉलनिक्स, ये मेरे पास 3 ऑलराउंडर, मेरी टीम ऑलमोस्ट यही रहने वाली है। हाँ, बट अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है कि मैं अपनी टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके मैनेज करूँ, तेलिया मैग्राथ की जगह कन्फर्म करूँ, बट अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बॉलिंग कराती है तो मेरी यह टीम होने वाली है।
कैप्टन ने चमारी अट्टापट्टू किया है जो कि ओपन करेगी, चार ओवर भी डालेगी। बाकी एलिसा पेरिक मैंने वाइस कैप्टन किया है। गार्डनर भी अच्छी ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए, बट गार्डनर के ऊपर पता नहीं क्या, मैं जब कैप्टन वाइस कैप्टन करता हूँ ये परफॉर्म नहीं करती, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना गार्डनर भी एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी के लिए मेरी ये टीम है। एक बार टॉस के बाद मेरी फाइनल टीम आप टेलीग्राम पर देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर मैं टॉस के बाद फाइनल टीम दे दूंगा। और याद रखना ये मैच दिन में है, ठीक है, डे का मैच है तो स्पिनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और बाकी ठीक ही है, तो यही है आज वाली वीडियो में, इतना ही ज्ञान है। और हाँ प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा लाइक वाइक करो, लाइक वाइक थोड़ा आप लोग करो यार, मज़ा नहीं आ रहा है। लाइक वाइक करोगे तो मैं गिवअवे स्टार्ट करूँगा, एक दिन मुझे खुश तो करो, जो 10,000 लाइक करके 8,000 लाइक करके, ताकि मैं खुश हूँ और गजब वीडियो बनाऊँ और एनर्जी लाऊँ और गिवअवे करूँ, समझ रहे हो ना। और कमेंट करके बताओ कि आपका वुमेंस वर्ल्ड कप कैसा जा रहा है और क्या लगता है आपको, आगे बढ़िया चलेगा, चले ना चले। अभी कल से इंडिया वाली सीरीज चालू हो रही, वो कवर करेंगे, उसमें मोटरा माल छापेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल, इंडिया वाले मैच की वीडियो बनाऊंगा कल मैं, तो उसमें मिलूंगा। और टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट सबको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और विजन 11 प्रोबो डाउनलोड कर लेना, सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और विजन 11 प्रोबो दोनों का हमारा जो रेफर कोड है वो अनुराग है, वो यूज़ करोगे तो आपको रियल कैश मिलेगा साइनअप करने पर फ्री में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।